हम सब जुड़े हुए हैं, आप लोग सब इसके पार्ट हैं और हम सबको मिलके इसको समृद्ध करना है और खुद भी भारतीय संस्कृति से, भारतीय परंपराओं से, भारतीय कला संस्कृति से हम लोग को अवगत होना है एवं समृद्ध होना है। आज का प्रोग्राम ध्रुपद गायन, जिसके बारे में आपको भी हमारे वॉलंटियर स्टूडेंट्स बताएंगे, वैदिक पीरियड से ये ध्रुपद गायन की परंपरा चलती आई है। ध्रुपद से ध्रुपद इसकी उत्पत्ति भी, इसकी इसका पहले संस्कृत में ही ज़्यादा वर्ष यानी पद होते थे, बाद में ब्रज भाषा में इसके बहुत सारे पद हुए और वर्शिप में ये पद बहुत प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्रुपद गायन एक तरह से प्रार्थना का गीत भी होता है। ये जो साउंड सिस्टम है, ये जो पूरा पृथ्वी है या पृथ्वी पूरा जो यूनिवर्स है, इसमें एक साउंड होता है। और ये नाथ ब्रह्म का कंसेप्ट यहां से आता है कि पूरे जो शून्य में भी एक ओंकार, एक ओम की ध्वनि होती है, उस ध्वनि को अपने अंदर में महसूस करना और उसे अभ्यास करना, ये एक ऐसी कला है जिससे भी आज आप लोग अवगत होंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे ध्वनि होते हैं जो मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के मस्तिष्क में पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं और आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका मेडिटेशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आप जो भी चीज करते हैं उसमें आपका मन लगेगा, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे स्टडी हो, चाहे गेम्स हो या कोई भी अन्य काम में आप अगर रमे हुए हैं या कोई अन्य काम आपको दिया गया है, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, तो वो आप अच्छा से कर पाते हैं। इसके लिए म्यूजिक बहुत ही सहायक होता है। ऐसा कहते हैं कि किसी एक चीज अगर हम कर रहे हैं तो वहां फोकस करना पड़ता है, उस चीज पर केंद्रित होना पड़ता है। तो ये केंद्रित होने की प्रक्रिया का अभ्यास करना बहुत कठिन है, जिसमें लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, मगर ये ध्यान लगाना बहुत कठिन है। अगर आप ध्यान मुद्रा में या योगासन में बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि हम अब ध्यान लगाएंगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारे चिंतन आते रहेंगे। मगर म्यूजिक एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपना ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं और इसका अभ्यास म्यूजिक के थ्रू और सबसे अच्छा भारतीय शास्त्रीय संगीत के द्वारा होता है, जो आपको जीवन भर आपके सहायक होंगे। तो आज हम लोग ध्रुपद गायन का कार्यक्रम देखेंगे और उसके बारे में आप लोग अभी जानेंगे। बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमेशा की तरह आज भी शांति बनाए रखिएगा। अब हम स्वागत करते हैं ध्रुपद गायन के कलाकार पंडित प्रशांत मल्लिक, पंडित निशांत मल्लिक और संगत कलाकार पखावज में श्री आशुतोष उपाध्याय जी।
आज आप लोग पखावज का प्रयोग यहाँ के विद्यार्थी देखने वाले हैं। अब तक आप लोग स्पीक मैके के प्रोग्राम्स में तबला वादन का ही ज़्यादा संगत रहा है, ये एक अलग तरह का अनुभूति आप लोगों को आज होने जा रहा है। प्रकृति में दीपक का अपना ही महत्व है। हमारे त्योहार पाठ आदि सभी मांगलिक कार्य दीपक के साथ जुड़े हुए हैं। दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा सनातन काल से ही चली आ रही है, जिसका उद्देश्य दीपक की प्रकाश के साथ साथ अंधकार का हरण भी है। दीप अज्ञानता और अंधकार के भय को नष्ट कर ज्ञान और प्रकाश के पुंज से संसार को दीप्तिमय करने वाला अमोघ अस्त्र है। यह हमारे बिखरे जीवन को समेटने की एक युक्ति है। जन जन में उत्साह भरने वाला अमृत पुंज है। तो अब दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं ट्रस्टी राजेश सर, एडमिनिस्ट्रेटर सक्सेना सर, रमेश अग्रवाल सर, वाइस प्रेसिडेंट विजय नंदन प्रसाद, डॉक्टर पवन झा, प्रो वीसी पूर्णिया यूनिवर्सिटी। Speak Meke was established by Dr. Kiran Seth at IIT Delhi. Pandit Prashant Malik and Pandit Nishant Malik, popularly known as Malik brothers, belong to the illustrious Darbhanga Drupad tradition and represent the unbroken 13th generation of this 5-year-old musical lineage. The Malik brothers are currently one of the most sought-after Drupad vocalists of our country and are also one of the foremost torchbearers of Drupad music. They are the 3 national award winners and have been awarded the top grade in Drupad vocal from the All India Radio and Doordarshan. Malik brothers have taken training in music from their father, Drupad legend Pandit Prem Kumar Malik, and grandfather, Drupad legend Pandit Vidyur Malik. डॉक्टर किरण सेठ के द्वारा आईआईटी दिल्ली में हुई थी। स्पीक मैके की ओर से आप सभी दर्शकों को भारतीय शास्त्रीय संगीत से रूबरू कराने के लिए सांगीतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत आज हम आपके लिए लेके आए हैं मलिक पंथरों द्वारा ध्रुपद गायन की अभूतपूर्व प्रस्तुति। ध्रुपद संगीत आपको चेतना के उच्च स्तर पर ले जाता है। संगीत के एक्सपोनेंट्स ऑफ गोहर बानी एंड खानदार बानी ध्रुपद स्टाइल। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कंपोजिशंस, मलिक ब्रदर्स हैव संग एंड कंपोज्ड पदास ऑफ मेनी मेडिएवल पोएट्स इंक्लूडिंग कबीरदास, स्वामी हरिदास, तुलसीदास इन ध्रुपद फॉर्म।
They have also sung and composed several lyrical texts of eminent poet Prabhu Sri Swami Narayan, Saint Muktanand, Devanand, Premanand, and writer Ashok Janmani. गौहर बानी और खंडार बानी ध्रुपद शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक हैं। पारंपरिक रचनाओं के अलावा मलिक बंधुओं ने ध्रुपद रूप में कबीरदास, स्वामी हरिदास सहित कई मध्यकालीन कवियों के पद गाए और रचे हैं। उन्होंने प्रख्यात कवि प्रभु श्री स्वामी नारायण, संत मुक्तानंद, देवानंद, प्रेमानंद और लेखक श्री अशोक जमनानी के कई ग्रंथों को गाया और रचा है। They have achieved many awards. Some of them are the Central Sangeet Natak Academy's prestigious Ustad Bismillah Khan Award for the year 2013-14. Bihar State Award, Bihar Kala Puraskar 2015, given by the Honorable Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar. Pandit Manmohan Bhatt Memorial Award for the year 2017 given by the Grammy Award winner Padma Bhushan Pandit Vishwa Mohan Bhatt. The National Award Maharana Mewar Foundation 2018 Dagar Gharana Award in the field of music given by Maharaja Shriji Arvind Singhji Mewar of Udaipur. Dhrupad Nath Ratna Award 2016 given by the International Dhrupad Dham Trust, Jaipur. Recently, they have been recorded for a playback song in the Bollywood movie Who Am I? Directed by Sri Shirish Khemaria, music released by Zee Music Company. हाल ही में उन्हें श्री शिरीष खेमरिया द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म हु एम आई में एक पार्श्व गीत के लिए रिकॉर्ड किया गया है जिसका संगीत जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा जारी किया गया है। The Malik brothers have been touring abroad since 1999 and have visited around 25 countries till now. They have performed at many international music festivals, including the Lizard Festival London, Darbar Music Festival London, TFF Rudolstadt World Music Festival Germany, Stimmen World Music Festival Basel, International Yoga Festival Berlin, South Bank Centre Music Festival, Queen Elizabeth Hall London, to name a few. They also have many music albums to their credit. They have formed a Dhrupad school named Pandit Vidyur Malik Dhrupad Academy at Prayagraj for the promotion, propagation and teaching of Dhrupad music. The Malik brothers have been touring abroad since 1999 and have visited around 25 countries till now. They have performed at many international music festivals, including the Lizard Festivals, London, Darbar Music Festival, London, TFF Rudolstadt World Music Festival, Germany, Stimmen World Music Festival, Basel, International Yoga Festival, Berlin, South Bank Centre Music Festival, Queen Elizabeth Hall, London, to name a few. They also have many music albums to their credit. They have formed a Dhrupad school named Pandit Vidur Malik Dhrupad Academy at Prayagraj for the promotion, propagation and teaching of Dhrupad music. Malik Bandhu सन 1999 से विदेश दौरे कर रहे हैं और अब तक लगभग 25 देशों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने लिजार्ड फेस्टिवल लंदन, दरबार म्यूजिक फेस्टिवल लंदन, टीएफएफ रुडोल्फस्टैड म्यूजिक वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जर्मनी, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल बर्लिन, स्टिमन वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल बेसल, साउथ बैंक सेंटर म्यूजिक फेस्टिवल क्वीन एलिजाबेथ हॉल लंदन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोहों में प्रदर्शन किया है। उनके खाते में कई म्यूजिक एल्बम्स हैं। उन्होंने प्रयागराज में ध्रुपद के प्रचार प्रसार और अध्यापन के लिए
पंडित विदुर मलिक ध्रुपद अकेडमी नाम से एक ध्रुपद विद्यालय का गठन किया है। उपाध्याय पंडित पन्नालाल उपाध्याय के पुत्र हैं। गया बिहार से वासुदेव उपाध्याय परंपरा। कम उम्र से ही उन्होंने अपने पिता के अधीन पखावज का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। बोल के शुद्धता, ध्वनि उत्पादन की स्पष्टता और उपकरण की समग्र मधुरता जो उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं की पहचान हासिल करने के लिए लगन से काम कर रहे थे। एक संगतकार और एकल कलाकार दोनों के रूप में उन्होंने बनारस ध्रुपद मेला और संगीत नाटक अकेडमी सहित देश भर में महत्वपूर्ण चरणों में प्रदर्शन किया है। पिछले 2 वर्षों से श्री आशुतोष उपाध्याय अनाथ फाउंडेशन के निमंत्रण पर सुल्तानपुर लोधी पंजाब के छात्रों को पखावज पर निर्देश दे रहे हैं। अतिथियों को हम दोनों भाइयों की ओर से और हमारे प्यारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को हम दोनों भाइयों की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। आपके स्कूल के बारे में हमने इतना सुना है कि आपके हमारे पूरे बिहार में ये टॉप 5 में या टॉप 10 में आता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। तो चलिए पहले तो इस विषय पर एक ताली जरूर आप लोग बजाइए। आपका स्कूल इतना फेमस है, पॉपुलर है और यहाँ पर इतनी अच्छी एजुकेशन आप लोगों को मिल रही है और हम लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 15-20 मिनट से स्टेज पर बैठे हैं लेकिन आप लोग पिन ड्रॉप साइलेंस करके बैठे हुए हैं। सो दिस इज एक्चुअली वेरी अप्रिशिएटेबल गेस्चर। तो हमें बहुत खुशी है कि स्पिकमा के पूर्णिया के चैप्टर के अंतर्गत पहली बार हम लोग पूर्णिया आए हैं और इस स्कूल के प्रधानाचार्य डायरेक्टर महोदय सभी का बहुत शुक्रगुजार है कि आपने ध्रुपद संगीत को, जो हमारे बिहार की सबसे प्राचीन, बिहार की क्यों, पूरे विश्व की, पूरे हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन गायन शैली ध्रुपद गायन शैली के लिए हम दोनों भाइयों को यहाँ आमंत्रण किया। बेसिकली हम लोग यहाँ जो आए हैं आप सभी बच्चों के लिए आए हैं, क्योंकि आपके स्कूल ने हमें इनवाइट किया है कि आप सभी के साथ अपने संगीत को हम साझा कर सकें, कुछ बातें कर सकें, कुछ आपसे बातें सीख सकें। तो अभी साइलेंस थोड़ा सा कर लीजिए, अभी तक तो आप इतने साइलेंट थे, है ना? प्लीज़ मेंटेन दैट साइलेंस अगेन। देयर विल बी फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन वी विल बी हैविंग इन दिस सेशन। You will get to know about Dhrupad, very little brief overall information, क्योंकि जो हम गाने वाले हैं स्पीक मेके का ये कर्तव्य रहा है कि आपको उसको पहले बताया जाए और तभी आपको शायद और आनंद आएगा सुनने में। सोच थी कि ध्रुपद यानी मर्दाना गायकी, जब महिलाएं फ्लाइट चला सकती हैं, आर्मी में, सेना में, हर काम कर सकती हैं, हमारी महिला शक्ति में कोई शक तो है ही नहीं किसी को, तो ध्रुपद भी आज बहुत अच्छा गा रही है, कुछ महिलाएं पखावज बजा रही हैं। पहले ये ज़्यादा मेल, एक्चुअली ये क्यों, आप सभी जानते हैं कि सभी काम पहले मेन मेल डोमिनेंट था, अब सब लोग करते हैं, तो मर्दाना गायकी थी ऐसी मानी जाती थी। लेकिन इसको मंदिर में जो गायक बैठते थे वो ईश्वर, जैसे हम आपके समीप आपकी तरफ उन्मुख होके अभी हम गा रहे हैं, ऐसे मंदिर में देवी देवताओं इष्ट के सामने बैठ के वो लोग चैंट करते थे मंत्रों को। कोई ऐसा स्पेशल काल हो या नहीं हो, लेकिन जैसे कैसे पंडित जी लोग मंत्रोच्चारण करते हैं पूजा पाठ के दौरान, छंद गायन होता था, उस प्रकार से होता था। बाद में जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, आपने एक नाम सुना होगा शायद, मियां तानसेन, सबने सुना है बच्चों ने, फिल्मों में भी सुना होगा, देखा होगा कि वो पानी बरसाते थे और उनके संगीत में इतनी शक्ति थी कि वो अपने गायन से मियां मल्हार या मीर मल्हार गा के पानी वर्षा वृद्धि करते थे। उनके गुरु थे स्वामी हरिदास, वृंदावन में वो रहते थे और केवल ठाकुर जी कृष्ण के लिए गाते थे।
उन्होंने असंख्य शिष्य तैयार किए जिसमें मियां तानसेन, बैजू बाबरा का भी नाम आपने सुना होगा, है ना? सुना है ना सबने, बैजू बाबरा, फिर और भी बहुत सारे थे, गोपाल नायक, नायक बख्शो, ऐसे बहुत सारे उस जमाने के ध्रुपद गायक हुए। तो फिर ये मंदिरों से परंपरा उठकर राज दरबारों में गई। हमारे बिहार में खास करके दरभंगा राज में, क्योंकि दरभंगा मिथिला का बहुत ही धनी मनी, ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही सशक्त वहाँ का राजघराना रहा, तो वहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो राजगायक रहे। लास्ट कोर्ट सिंगर थे हमारे परदादा पंडित, पद्मश्री पंडित रामचंद्र मलिक जी। तो ऐसे ही राज दरबारों में फिर ध्रुपद गायकों को या वीणा वादकों को उनको चुनकर समझ कर रखा गया। वो इसलिए रखा गया कि आप जैसे युवा बच्चे जो हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे थे, उनको संगीत की भी तालीम दी जा सके। तो राज दरबार ऐसा अपना महफिलें सजे और दूसरे प्रांत के लोग आए तो सुने कि मेरे यहाँ कौन गायक है, कैसे गायक है, वादक है। बाद में ये राज दरबारों से पब्लिक डोमेन में आ गया। पब्लिक डोमेन में जैसे अभी हम लोग बैठे हुए, पब्लिक कॉन्सर्ट सीरीज होने लगी। पहले महफिल हुआ करती थी जहाँ पर कुछ बैठक हुआ करता था, जहाँ पे 50-100 लोग बैठे हुए हैं, बिना माइक के गाना हो रहा है। एक्वेस्टिक इतना स्ट्रांग था कि बिना माइक आवाज़ भी ऐसी बुलंद थी पहले के लोगों की, अब तो बिना माइक के लोग बोलेंगे यहाँ से वहाँ नहीं आवाज़ आती है। खैर, हमारे बिहार के लोगों की आवाज़ काफ़ी बुलंद है इस मामले में। तो हम बात कर रहे थे पब्लिक डोमेन में आ गया, फिर एजुकेशन सिस्टम में आ गया। आज तो PhD कर रहे हैं लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और क्या क्या पढ़ाई के अलग अलग। आपके स्कूल में देखिए, स्कूल आपके बहुत अच्छी महिला शिक्षिका है जो म्यूजिक टीचर है आपके यहाँ, आपके यहाँ म्यूजिक टीचर है ना? यस, हाँ। तो ऐसे ही हर जगह संगीत फिर विद्यालयों में और हो गया। अब हम ध्रुपद की बात करते हैं। एक बात तो ये है कि इस संगीत में अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का जो एलिमेंट है वो बरकरार रहता है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि यही जननी है, जितने भी आप संगीत के बाकी जॉनर्स सुनते हैं उससे ध्रुपद से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होके हुआ। शुरुआत जैसे हमारा पेट होता है तो थोड़ा सा शरीर से, वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर बना है। ऐसा बोलते हैं कि श्री गणेश, हमारे भगवान गणेश इसको बजाया करते थे और एक मंगल वाद्य के श्रेणी में आता है। देर आर फाइव बेसिकली ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर ऑल ऑस्पिशियस डेफिनेटली, लेकिन हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा में पांच वाद्य, नॉर्थ इंडियन की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक की नहीं कर रहा, पांच वाद्य यंत्रों को ऑस्पिशियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं मंगल वाद्य की श्रेणी में रखा गया है, उसमें से एक हमारा ये मृदंग है। दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट आपने हमेशा सुना होगा जिसका नाम है शहनाई। सबने सुना है ना शहनाई? किसी भी काले प्रयोजन में, शादी विवाह में आप देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान साहब की या किसी ना किसी उस्ताद जी की, पंडित जी की शहनाई फूकी जा रही है, सुनाई पड़ रही। क्यों ऐसा कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे बजते हैं, वैसे तो ये विद्यालय अपने आप में सरस्वती का एक आश्रम है, उनका मंदिर है, विद्या मंदिर कहते हैं इसको, लेकिन इस जगह पे पखावज बजेगा, ध्रुपद होगा तो एक और सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं, वैसा यहाँ का आलम होना चाहिए, हो जाएगा। फिर तीसरा वाद्यंत्र मैं आपको बताता हूँ। तीसरा वाद्यंत्र आपने देखा होगा, मंदिर सब जाते हैं जिनका जो धर्म है, तो मंदिर में घंटी या घंटा होता है, उसको हम क्या करते हैं, जाने से पहले रिंग करते हैं। क्यों करते हैं जाने से पहले रिंग? ऐसा माना जाता है कि बेल रिंग करने से उसके साउंड से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है और हम आह्वान करते हैं ईश्वर को कि मैं आया हूँ आपके दरबार में आपके आशीर्वाद के लिए। तो उसका साउंड, बेल का जो साउंड होता है वो पवित्र माना गया है और वो एक वाद्य यंत्र है, उसको यूज किया जाता है। फिर एक वाद्य यंत्र है
जिसको हम अक्सर पूजा पाठ में लास्ट में सुनते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है वो? करेक्ट, शंख, शंख ध्वनि, वो भी मंगल वाद्य कहलाता है। कहते उसकी आवाज जहां तक जाए, जो जो सुन ले केवल कान से, दूर घर पे भी, तो घर का पूरा माहौल पवित्र हो जाता है, ऐसी माना जाता है। और एक लास्ट जो बचा इंस्ट्रूमेंट वो है शिव का डमरू। तो डमरू वाद्य का ही जो आप साउथ इंडिया में आप जब जाते हैं साउथ इंडियन म्यूजिक में, तो आप एक वाद्य यंत्र देखते हैं जिसको कई नाम से वैसे भी जाना जाता है, उसी का बड़ा रूप है वो। जैसे पखावज को भी कहा जाता है डमरू से ही, जो डमरू शिव का डमरू था उससे ही कहीं ना कहीं पखावज का भी सोच बना, क्योंकि शिव डमरू बजाया करते थे और ये गणेश भगवान का साज है। बाकी तो आशुतोष जी बताएंगे। तो ये पांच इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑस्पिशियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें से एक मृदंग है। मृदंग का अर्थ बताता हूँ, फिर हम लोग गाना शुरू करेंगे। ये सारी बातें करते हुए मृदंग का भी अर्थ है मृदु अंग, मृदु अंग। मृदु यानी क्या होता है? मीठा या मेलो, मेलोडियस। तो इसका साउंड जो है वो बहुत ही मेलोडियस आता है, क्योंकि साउंड का इम्पैक्ट है हमारे भारतीय संगीत में। शायद इसीलिए हमारा संगीत विश्व के सारे ही संगीतों में, आपने पता नहीं कितनी बार सुना होगा कि फला बहुत बड़ा स्टार है लेकिन इंडिया आया गाने, लेकिन इंडिया के कलाकार, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया, संसार, कोई भी कलाकार होगा जिसका संगीत में थोड़ा सा भी अच्छा सरस्वती माँ का आशीर्वाद होगा, वो ज़रूर बुलाया जाता है बाहर और खूब प्रेम से सुना जाता है, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत गाने वाले को हम लोग जानते भी नहीं है। तो ये हमारे भारतीय संगीत की शक्ति है, इस पर तालियां हो जाए। और ये बहुत बड़ी हमारी परंपरा है, विरासत है हमारा संगीत, इसको हमें लेकर चलना, जो हमारी स्पीक में लेकर रही है भारत की सरकार, कोशिश करती रहती है अपने हिसाब से, हम कलाकार कोशिश करते हैं, आप सभी बच्चे कल को संगीत, बहुत लोग ऐसे होंगे शायद जो संगीत करेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत अब गाने से करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आप बताता हूँ कि आज मौका लगेगा, आप सब भी हमारे साथ गाएंगे। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? ऊपर से आवाज दीजिए जरा भाई, तैयार है क्या? हाँ, ये विद्यालय में दम है। चलिए भाई, तो जैसे ही होगा समय आएगा तो हम लोग साथ में गाएंगे भी। पहले जैसे हमने आपको क्या कहा था कि शुरुआत में पूजा की तरह इसको लेना है, जैसे हमारे घर, क्योंकि संगीत एक पूजा है, हम ईश्वर की आराधना करते हैं संगीत के माध्यम से। तो शुरुआत शनि शनि होगी, अपने आप फिर वो रिदम बनेगा, फिर आपको अपने आप आनंद आएगा। एक रिक्वेस्ट लास्ट ये है, आप अपने साथ के दोस्तों से बात मत करें, क्योंकि ये पल जो एक घंटे का है ये स्पेशल है। आपके दोस्त 12 तक रहेंगे यहाँ साथ में, आराम से खूब बात करिएगा। 12 साल है एंजॉय करने के, एक दूसरे को जानने के लिए, लेकिन हमें और आपको जानने के लिए। अच्छा, जो भी बात करनी है मुझसे करिएगा, मैं बहुत बहुत फ्री होके आया हूँ, इसके बाद मुझे केवल सोना है। तो बस करना क्या है, प्रोग्राम के बाद जहाँ सारे आपके मन में जो दुविधा है इस प्रेजेंटेशन को लेके, म्यूजिक को लेके, वो आप अपने मन में बना कर रखिए और बारी बारी से खूब प्रेम से हमसे बात करिएगा, ठीक है भाई? आपस बात नहीं करिएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का पद्धति है वो राग नियम, राग के समय पर, जो समय है दिन का या रात का या शाम का, समय चक्र पर आधारित होता है। तो एक अब तो 7 बज गया, रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू हो गया, तो रात्रि का प्रथम प्रहर का एक राग सुना रहे हैं। विद्या मंदिर में बैठे हैं तो माँ सरस्वती की याद आ रही है, राग सरस्वती सुना रहे हैं। राग सरस्वती में थोड़ी देर आलाप और फिर एक दो रचनाएं सुनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
एक मंत्र है जो हमारे साथ आप पहले चेंज करें, उसी मंत्र को ऊपर मिलाते हैं। ध्यान से सुने, मेरे पास बोले ओम, सभी लोग बोले ओम, ऊपर वाले बच्चे भी बोलेंगे, नीचे वाले भी, सब एक साथ बोलेंगे। ध्यान से पहले सुन के ओम अनंततम अनंततम तरणतारिणी तरणतारिणी तोम तोम हरिओम हरिओम नारायण नारायण ओम। ये जो आपने मंत्र सुना, इसी का अभ्रंश, नारायण का ना र, हरि का री, ओम, तो ये शब्द के टुकड़े जो हैं वो त न न न री त न न तोम नोम ओम शब्द आपको आलाप में सुनाई देगा। इस सुंदर श्लोक को गाया जाता है आलाप में, स्वरों के स्थान पर स्वर भी गाए जाते हैं समझाने के लिए, लेकिन विशेष करके नोम तोम की आलापचारी द्रुपद अंग की खासियत है। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, ये जो हमारे जीवन में दूर तक अनिश्चितताओं का फैला हुआ अंधकार है, उससे हमें दूर करो। ओम अनंततम तरण तारणी तोम हरि ओम नारायण ओम। हमारे जीवन में पॉजिटिविटी, एक अच्छे सोच का संचार करो, तो ये प्रार्थना है। बस इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं। Mm-hmm.
Yeah.
Oh.
जोड़ में बस डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहे रे मरे
आपने साउंड कम कर दिया इस मॉनिटर में, उसमें भी कम हो गया है, थोड़ा दगड़ा के बढ़ा दीजिए साउंड, मतलब मॉनिटर मैंने कम कर दिया तब।
अब आप खुद ने पहले बजाई, अभी क्यों नहीं ढूंढ बजा रहे हैं? तो ये ध्रुपद का आपने देखा शुरुआत कैसे हुआ। अब ये विद्या ध्रुपद की जो शुद्धता है उसको हमें बरकरार रखना है, और उसकी तालीम ऐसी ही दी जाती है कि शुरुआत ऐसा हो कि एक एक स्वर का मरम जैसे आपने महसूस किया होगा, और अंत ऐसा हो कि लगे कि वो एनर्जी जिसको हम कहते हैं वीर रस, जिसको हम कहते हैं रौद्र रस, क्योंकि हमारे जो नौ रस हैं, नाइन एलिमेंट्स जो हमारे लाइफ में भी हैं, केवल संगीत में ही नहीं है, उनमें तीन रस ऐसे हैं जो बहुत ही अलग है, भयानक रस, रौद्र रस और वीर रस। ये संगीत में भी है और राग अनुसार, और जो जिस जैसे झाला का पोर्शन है वहाँ पे शांत रस नहीं होगा, वहाँ पे जब तक वीर रस नहीं होगा वो आनंद नहीं आएगा। तो अच्छा लगा आप लोगों को? यस। नाउ वी विल बी प्रेजेंटिंग सरस्वती कॉम्पोजिशन। एक बहुत विद्वान है आपके स्पीक मेके के, बहुत सीनियर वॉलंटियर रहे हैं, श्री अशोक जमनानी जी, बहुत अच्छे लेखक हैं, कवि हैं। उनका एक पद है जो हम आपको सुना रहे हैं, उन्होंने सरस्वती जी के ऊपर ये पद हमें लिख के दिया जो हम गाते हैं। ओम सरस्वती एम सरस्वती मात सरस्वती नमो नमः। ओम सरस्वती एम सरस्वती मात सरस्वती नमो नमः। शुभ्राधारणी ब्रह्मचारिणी जगत व्यापनी नमो नमः। अंधकार ध्यो घोर गहन हो चीर प्रकाशिनी नमो नमः। वेद धारिणी वीणावादिनी भुवन व्यापनी नमो नमः। वाणी मंगला अर्थ मंगला नाद मंगला नमो नमः। स्वरदायिनी वरदायिनी अखिल व्यापनी नमो नमः। विश्वभारती सुभद आरती मातु शारदे नमो नमः। सिद्धिदायिनी हंसवाहिनी प्रणव व्यापनी नमो नमः। इस कॉम्पोजिशन को हम लोग 10 मात्रा सुर ताल में, जो ध्रुपद का एक ताल है, उसमें सुना है।
Thank you.
माइक दे दीजिए भैया उनको। वायरलेस माइक वायरलेस है। कितना साल का एक्सपीरियंस है? किस चीज में? रियाज में कि प्रोग्राम में? किस चीज में एक्सपीरियंस? गाने में? प्रोग्राम में सर। अगर हम आकाशवाणी की बात करें कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे देश में आज भी आकाशवाणी जो शुरू से लेकर आज तक कलाकारों को एक मान्यता प्रदान करती है, तो 2000 से अंगार है। सन 2009 में ऑल इंडिया रेडियो में अखिल भारतीय नेशनल अवार्ड मिला था, ऑल इंडिया में टॉप किया था ठाकुर जी और मेरे गुरु जी की कृपा से। तो 2000 से लेकर तक 23 साल का एक्सपीरियंस हो गया। गा तो रहे आपकी उम्र से। आपका नाम क्या है? इनके लिए तालियां। आप कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? कोई पूछिए। सर नाम बता के। सर मेरा नाम शाश्वत सिंह जी। सर आप अपना मतलब आप इतना कैसे अपना फास्ट अपना सुर तार कर सकते हैं, मतलब कर पाते हैं? आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं अगर उसके लिए आप प्रयास करें या एक्सरसाइज करें या आप उसके लिए निष्ठावान रहें। यस, मुझे करना है तो स्वरों का अभ्यास है। गुरु जी ने जैसा स्वरों में सिखाया फिर हमने उनको अडॉप्ट किया, सुना, फिर अपना रियाज किया और अभी तो सीख रहे हैं हम, अभी पूरे जीवन सीखते ही रहे। ठीक। और कौन है? और लोग जो कुछ पूछना है प्लीज लाइन में आ जाए, आप क्यू में आ जाए। सर सर मेरा नाम ऋषभ राज है। सर आप ये सर राग कहाँ सीखे और सर आपकी सर कैसे गवाते हैं? मुझे शुरू में बता तो रहे थे ना आपके दोस्त सीनियर, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी से हमने सीखा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माय नेम इज अमिता। माय क्वेश्चन इज कि सर दरभंगा घराने का इतिहास क्या है? अच्छा तो संक्षिप्त में बता देते हैं क्योंकि इस पे तो पूरी शाम भी बीत सकती है, हम लोग की साथ में बैठ के खाना वाना खाएंगे। दरभंगा घराने का इतिहास लगभग 450 साल पुराना है, 500 लगभग।
और जैसे जिनका नाम लिया था मैंने तानसेन का, उनके भतीजे थे उस्ताद भूपत खान साहब महारंग, उनसे दरभंगा घराने के दो भाइयों ने, ऐसे हम दोनों भाई हैं, वो चार भाई थे जिसमें से दो भाई पंडित राधा कृष्ण पंडित करताराम मलिक जी ने जाकर 25 वर्ष तक उनसे संगीत सीखा और तब जाके वो सेनिया परंपरा हुआ, तानसेन का परंपरा सेनिया था, फिर हमारे घराने में आए। तो इतिहास लगभग 450 साल पुराना है, यही है, फिर लगातार लेने चली आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है सर कि अच्छा गाना गाने के लिए सर सुर को कैसे ठीक करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा गाना गाने के लिए सुर का रियाज करें, आपके यहाँ जो टीचर है और या आपके जो गुरुजी हैं उनके साथ बैठ के आप सरों का, पलटों का, फिर आपका जो अलग अलग स्वर की जो फ्रेजेस होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, इसका रियाज करें। सुर अपने आप, ईश्वर का वो आशीर्वाद होता है, जब आप रियाज करें तो सुर अपने आप जमने लगेगा। नमस्ते सर, मेरा नाम आकाश रंजन झा है। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि सर क्या आप अपने लाइफ के मतलब आपने इस चीज में मास्टरी कैसे की स्वर तालों में, जो आपने इतने स्पीड से इतने राग में गाया, और आपने मतलब कितने संघर्ष किए सर, उसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? देखिए संघर्ष तो भी कर रहे हैं, थोड़ा और कुछ अच्छा हो जाए, कुछ और अच्छा कर सके, कुछ और आप लोग को अच्छा सुना सके। लेकिन जैसा मैंने बताया गुरु से तालीम और उसके बाद अपना रियाज, सोच मनन, और रियाज करते करते फिर वो जैसे कैसे कोई, जैसे फ्लाइट हम देखते हैं कि कोई कैसे इतने पैसेंजर्स को लेके एक देश से दूसरे देश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश चला जाता है 2 घंटे में 2.5 घंटे में, तो पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, पहले पढ़ाई होती है फिर ट्रेनिंग होती है, वैसे एक संगीतकार बनने के लिए संगीत कला का भी ट्रेनिंग होता है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हो या जिससे भी आप सीख रहे हो, तो रियाज करने से फिर वो चीज़ें बन जाती हैं। फिर फास्ट कितना करना है या कितना स्लो करना है, मैंने बताया था कि तैयारी का कोई अंत नहीं है, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, बस। थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा नाम युवराज प्रकाश है और मेरा प्रश्न ये है कि आप जो इतने तरह के सुर मतलब इतने तरह के आवाजों में इतनी गति से जो गाते हैं, तो आपने इस सुर के लिए कितना कितने घंटों का रियाज किया? बचपन में तो पढ़ाई भी थी, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे हम भी पढ़ रहे थे और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे, इलाहाबाद की बहुत, जैसे आपका ही बहुत बड़ा कॉलेज है, स्कूल है, वैसे मेरे पिताजी ने भी हमें बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया दोनों भाइयों को, तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, तो पढ़ भी रहे थे, थोड़ा थोड़ा रियाज भी करते थे, फिर जब सोच लिया कि रियाज ही करना है तो फिर भी अमूमन कलाकार बोलते हैं कितना घंटा उतना घंटा, मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ कि 3 से 4 घंटा जब हम ग्रेजुएशन में थे या इंटर में थे, उसके बाद 2 से 3 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम, क्योंकि और भी बहुत सारे काम, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारे पारिवारिक चीज़ें हैं, तो अगर मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी कलाकार बनना चाहता है, मान लिया आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो रेगुलर प्रैक्टिस अगर सही मन से सही रूप से सही दिशा में अगर 3 घंटा वो रियाज करेगा 2 से 3 घंटा प्रॉपर, उसका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा एक समय के बाद। 8 घंटा रियाज मतलब गलत दिशा में जा रहे हैं, 8 घंटा बैठे हुए उससे कुछ नहीं होगा। जैसे पढ़ाई, कई बार हम 2 घंटे ध्यान लगा पढ़ लेते तो हो जाता है, कई बार 5 घंटे झूलते रहते हैं उसको लेके क्या करें, ठीक है ना? सर आपका सर गला दर्द नहीं करता ये सर, इतनी सारी आवाज़ नहीं करता? मैं आपको बताऊँ, सुबह 8 बजे से मेरी क्लास शुरू होती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जब से कोरोना के पहले से ऑनलाइन सिखा रहा था, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर के होते हैं, इंडिया में बहुत बड़ा देश है हमारा, मैं दिल्ली में रहता हूँ दोनों भाई नोएडा में, तो सब तो एक जगह आ नहीं सकते घर पे, तो बहुत सीखने की इच्छा रहती है, तो आज के ज़माने में जो इंटरनेट का अच्छा माध्यम है तो ये बहुत हर तरीके से देखा जाए तो अच्छा है, कुछ चीज़ें मामले में गलत है, तो हमें कैसे देखना है उससे फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं सिखा रहा था, अभी भी सिखाता हूँ, तो सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 साढ़े 8 9 तक
क्लास चलती, बीच में आधे घंटे घंटे का डेढ़ घंटे, कम से कम 7 से 8 घंटा रोज गाना होता है, रोज 6 से 8 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी 8, कभी 7, कभी 5 भी, लेकिन इतना होता है। तो रियाज करने से फिर वो आदत पड़ जाती, बाकी हाँ थोड़ा ख्याल तो रखना पड़ता है। धन्यवाद सर। इनको हमने बोला था कि हम लोग आराम से सोने का बस है, पूछ सकते क्वेश्चन, तो सारी लाइन लगा ली है। सर गुड इवनिंग सर, मेरा नाम कुमार भार्गव है जी। सर मुझे पूछना है, मेरा प्रश्न है ये कि सर आप किससे प्रोत्साहित होकर सर गाने का फैसला लिया? वेरी नाइस, हमारे परिवार में तो लोग गा ही रहे हैं, गाते रहे हैं, हमारे बुजुर्गवार बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ रहे, उनको भी सुन के फिर बाहर देखिए क्या है कि आपको लगन होना चाहिए, किसी को इंस्पिरेशन बनाने से पहले उस चीज़ के लिए आपको पसंद होना चाहिए वो चीज़। अब मैं माइकल शुमाकर को इंस्पिरेशन बना लूँ, अब मैं कार चलाने मुझे आता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे क्या है, या किसी को भी ऐसा, तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को पहले अपना लगन होना चाहिए, फिर तो कोई ना कोई बड़ा होता है, क्रिकेट खेल रहे हैं तो तेंदुलकर को पसंद करेंगे, वैसे गायक हैं तो मेरे घराने में एक से एक लोग हैं, फिर भीम सिंह जोशी हैं, पंडित जसराज हैं, मेरे दादाजी पंडित दुर मलिक, तो ऐसे बहुत सारे कलाकारों को देख के इंस्पिरेशन मिलता है। ओके थैंक यू। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर अरविंद सक्सेना एंड आर वाइस प्रिंसिपल ऑफ जूनियर सेक्शन श्री गोपाल झा जी विल प्रेजेंट टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर सच अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन टू आवर गेस्ट। सुनते सुनते हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे, मुझे यकीन नहीं था कि हमारे छात्रों को आप बांध कर रख पाएंगे, लेकिन जो चमत्कार आपके गायन से पैदा हुआ वो तो एक अलग ही समा बांध दिया। सर आपने कहा था जो ये ध्रुपद गायन पहले मंदिरों में ही हुआ करता था, आज मैं बता दूं, हो सकता है पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट आपको कहीं से मिला हो या ना मिला हो, जो हमने महसूस किया वो बोल रहा हूँ, और पहली बार ये आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपकी गायन से ये ऑडिटोरियम मंदिर में परिवर्तित हो गया। और पता नहीं ये बात सत्य हो या ना हो, लेकिन मैंने जो जाना है, जो कुछ थोड़ी बहुत गायक तो नहीं, उस संगीत के बारे में जो एक बहुत एक 0.1 उससे कम परसेंटेज हो ही नहीं सकता, जो समझ में रखता हूँ, जो होता है कि शब्द शब्द का अर्थ, अर्थ के बाद भाव, तब लोग जुड़ता है उस परम सत्ता से। मैंने ध्रुपद गायन को